मेरे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रॉयल स्कूल। आई एम हर्ष श्रीवास्तव, फिजिक्स टीचर, रॉयल स्कूल, दानेरा। तो स्टूडेंट्स, आज हमें एक नई थियोरी पढ़नी है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डाइपोल के बारे में बताया था। तो डाइपोल क्या होती है? तो दो सेम मैग्नीट्यूड के ऑपोजिट चार्जेस से जो सिस्टम बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? डाइपोल बोलते हैं, राइट? तो मैंने आपको बताया था कि डाइपोल का जो टोटल चार्ज होता है वो ज़ीरो होता है, बट उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, राइट? तो आज हमें डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम डाइपोल के एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका फॉर्मूला क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डाइपोल का जो एक्सिस है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो डाइपोल का एक्सिस मतलब कि डाइपोल के दोनों चार्जेस में से जो लाइन पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डाइपोल की एक्सिस बोलते हैं। तो आज हम डाइपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं। तो उसके लिए हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को कंसीडर करते हैं। सपोज ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के दो चार्जेस, एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हम क्या लेते हैं? 2a। ओके, अब सपोज हमें डाइपोल के सेंटर से, डाइपोल का सेंटर हम ले लेते हैं ओ। अगर ओ डाइपोल का सेंटर है तो जो 2a डिस्टेंस है वो हाफ हाफ हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा a, और ये भी हो जाएगा a, राइट? इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं a, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं b। तो स्टूडेंट, सपोज हमें डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट आया हुआ है, लेट वी कॉल दैट पॉइंट एज p। ओके, यहाँ पे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जिसे हम बोल देते हैं p। ओके, तो p पॉइंट पे हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पता करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे पता करेंगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले p पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है वो शो करेंगे, फिर नेगेटिव चार्ज से किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है वो शो करेंगे, और फिर दोनों का कर देंगे वेक्टर एडिशन। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर पी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज से कितना फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो हम वेक्टर की हेल्प से शो करें। तो मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या होता है? आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। ओके, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? तीर छोड़ता है। तो यहाँ पे पी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगा। ओके, इसको हम बोल देंगे ई प्लस। ओके, नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। नेगेटिव चार्ज क्या करता है? तीर खाता है। तो पी पॉइंट पे अगर नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हम शो करें तो वो इस डायरेक्शन में होगा। इससे हम बोल देते हैं ई माइनस। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए ई प्लस और ई माइनस म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो अब हमें उनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, राइट? एक्चुअली हम एडिशन करेंगे बट वो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ई प्लस और ई माइनस को वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे शो कर देते हैं, राइट? तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज तो प्लस क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाला है उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ। उसको हम लिखेंगे ई प्लस, डायरेक्टली वेक्टर के फॉर्म में लिख देंगे उसे। तो वेक्टर में आप जानते हो क्या करना है, सबसे पहले मैग्नीट्यूड और फिर डायरेक्शन। तो पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका फॉर्मूला यहाँ पे हमें लिखना है। तो पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका फॉर्मूला मैंने प्रीवियसली आपको बताया क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इस पॉजिटिव चार्ज से पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? तो देखिए के चार्ज का मैग्नीट्यूड है क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर के फॉर्म में हम देखो पॉजिटिव चार्ज से हमें पी पॉइंट का डिस्टेंस लेना है, तो वो डिस्टेंस हमको डायरेक्टली दिख रहा है कि पॉजिटिव चार्ज से ओ पॉइंट का डिस्टेंस है ओ ए, और O से P का डिस्टेंस है R। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? R प्लस A।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे r प्लस ए और उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, बिकॉज फॉर्मूला है k अपॉन r स्क्वायर, राइट, इन टू यहाँ पे डायरेक्शन किसके लेंगे तो डायपोल मोमेंट की, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है पी कैरेट, डायपोल मोमेंट को हम पी से शो करते हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी पी कैरेट। अब देखिए यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा उसकी डिपेंडेंसी है इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन पे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हुए तो हम यहाँ पे प्लस रखेंगे, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो यहाँ पे माइनस रखेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज का इस डायरेक्शन में, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन मैंने आपको डायपोल मोमेंट की डायपोल की थियोरी में बताई थी, तो वो कहाँ से कहाँ किसकी तरफ होती है तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, राइट। तब देखिए यहाँ पे डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डायपोल मोमेंट ऐसे, तो यहाँ पे हमको क्या पुट करना पड़ेगा तो माइनस पुट करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, सो ये हुआ पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो। अब हमें क्या करना है नेगेटिव चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो गेट करना है। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो चलिए उसको भी डायरेक्टली हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, तो ए माइनस इज इक्वल टू के क्यू अपन आर स्क्वायर, तो के चार्ज का मैग्नीट्यूड है क्यू अपन आर। तो अब देखिए माइनस क्यू चार्ज का पी से डिस्टेंस, तो ये पूरा डिस्टेंस आर है और इस डिस्टेंस में से हम ए को माइनस कर देंगे, राइट, तब जाके हमको माइनस क्यू से पी का डिस्टेंस मिलेगा। तो क्या बनेगा डिस्टेंस आर माइनस ए, राइट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर माइनस ए होल स्क्वायर इंटू पी कैरेट। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में है या नहीं, तो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी इस तरफ है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हम प्लस ही रखेंगे, यहाँ पे कोई साइन आपको लिखनी नहीं, ऑलरेडी वो प्लस है, राइट। तो ये हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गए। तो अब हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या करना है, तो इन दोनों का वेक्टर एडिशन करना है। सो यहाँ पे हम उसका सिंप्लीफिकेशन देते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोल देते हैं ई इज इक्वल टू ई प्लस प्लस ई माइनस, पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तब देखो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तब इनमें से क्या कॉमन, चलिए हम पहले लिख देते हैं उसको, तो माइनस सॉरी ई प्लस है हमारे पास माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर इंटू पी कैरेट, प्लस ई माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू अपॉन आई आर माइनस ए होल स्क्वायर इंटू पी कैरेट। तो के क्यू को हम कॉमन निकाल देंगे, ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या बचा, तो माइनस वन अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर इंटू पी कैरेट, राइट, पी कैरेट भी कॉमन लास्ट में लिख देंगे, तो के क्यू। चलिए अब इसका सिंप्लीफिकेशन देते हैं, आपको क्या करना है एलसीएम लेना है या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके आगे पुट करेंगे माइनस प्लस आर प्लस ए होल स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस ए स्क्वायर इंटू आर माइनस ए स्क्वायर पी कैरेट। के क्यू देखिए इसका एक्सपेंशन करते हैं,
आर माइनस ए स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस टू आर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस, इसका भी एक्सपेंशन कर देते हैं, आर स्क्वायर प्लस टू आर ए प्लस ए स्क्वायर। और डिवीजन में आप देखिए क्या होगा, तो डिवीजन में आर प्लस ए आर माइनस ए का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। सो के क्यू, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू आर ए माइनस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टू आर ए प्लस ए स्क्वायर। डिवीज़न में आप देखिए क्या होगा, तो आर प्लस ए आर माइनस ए, इसको हम लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। तो आप देखिए प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा अंदर, टू आर ए प्लस टू आर ए मीन्स फोर आर ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी इसके ऊपर होल स्क्वायर भी आएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी हम स्क्वायर कर देंगे, राइट। तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल चुका है, बट स्टूडेंट्स इसे हमें फर्दर थोड़ा अरेंजमेंट करनी होती है इस फॉर्मूला में, कि इस फॉर्मूला को हम डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में लाएंगे। यहाँ पे लास्ट में पी कैरेट आप समझ लीजिए, यहाँ पे थोड़ी स्पेस की कमी की वजह से मैं नहीं लिख पाया, बट यहाँ पे लास्ट में सब में पी कैरेट आएगा। ओके, अब देखिए इसे हमें थोड़ा मॉडिफाई करना है, इस फॉर्मूला को कैसे मॉडिफाई करेंगे वो आप समझ लीजिए। देखिए हमारा फॉर्मूला बना है इस तरह से, E इज इक्वल टू के क्यू इन ब्रैकेट फोर आर ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर पी कैरेट। ओके, अब देखिए आप के क्यू को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फोर के क्यू आर ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू पी कैरेट। अब देखिए यहाँ पे हमारा डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो बन रहा है, डाइपोल मोमेंट का हमारा फॉर्मूला क्या है, पी इज इक्वल टू क्यू टू ए, राइट। तो यहाँ पे क्यू अवेलेबल है, फोर के दो पार्टीशन करेंगे तो टू टू ज़ा फोर, मतलब एक टू भी अवेलेबल है और ए भी अवेलेबल है, तो क्यू टू ए के फॉर्म में इस फॉर्मूला को लिखते हैं। तो यहाँ पे फोर के दो पार्टीशन करेंगे तो हो जाएगा टू के क्यू इंटू फोर का पार्टीशन करने से जो टू बचा है वो ए के साथ मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिख देंगे, टू ए इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू पी कैरेट, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, टू के क्यू टू ए की जगह हम क्या लिख देंगे, पी। ओके, इस रीज़न को आप इस स्टेप में लिखना, मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखा हुआ था, बट इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। ओके, तो टू के पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू पी कैरेट, राइट। तो ये हमारा एक और फॉर्मूला बना, किसके फॉर्म में, डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में, राइट। अब लास्ट में आपको क्या करना है कि हम लेट गैस कर लेते हैं कि यहाँ पे जो आर है वो ए के कंपेयर में बहुत बड़ा है, सो इफ आर इज ग्रेटर देन ए, तो आप जानते हो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर कोई डिस्टेंस दूसरे डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत
लेंथी होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो उस केस में हम ये जो हमारा टर्म है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसमें से ए स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आर बहुत बड़ा है। आप समझ लीजिए कि आर की वैल्यू 1000 है और ए की वैल्यू 1 है, तब 1000 का स्क्वायर करोगे तो 10^6 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा। इसका मतलब कि आर की वैल्यू ए के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है, तो हम ए स्क्वायर को इस सब्ट्रैक्शन की जो फॉर्म है उसमें से नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ओनली आर स्क्वायर। तो हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं कि इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन ए देन इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी 2kPr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, में से ए स्क्वायर कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ आर स्क्वायर इंटू पी कैरेट। तो देखिए फाइनली हमको इक्वेशन क्या मिलता है, 2kPr अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब हो जाएगा आर इज टू 4, ओके, इंटू पी कैरेट। एक आर आर कैंसिल आउट करोगे तो आर का क्यूब हो जाएगा। तो फाइनली हमको इक्वेशन क्या मिलेगा, 2kP अपॉन आर क्यूब इंटू पी कैरेट, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, कहाँ पे, उसकी एक्सिस पे। एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हो। अगर इस फॉर्मूला को हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखें तो ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2kP अपॉन आर क्यूब, ओके, पी कैरेट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो दिस इज द एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके स्टूडेंट्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है, इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, बट कहाँ पे, उसके इक्वेटर पे, ओके। तो तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।